गांव में एक बीमार युवक को नाव से बाढ़ से गुजरते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोठारी थाने के थानेदार तुषार चौहान और वन विकास निगम के वन कर्मचारियों के इस कार्य से सभी तरफ उनकी सराहना हो रही है। गोंडपिपरी तालुका के तोह गांव को बाढ़ ने घेर लिया है। आने जाने के रास्ते बंद थे, ऐसे में वाघड़े परिवार पर संकट आ गया। परिवार के एक बेटे साहिल कालिदास वाघड़े को बहुत तेज बुखार था। तोहगांव स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारियों ने मरीज को तुरंत जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी, लेकिन रोगी को कैसे ले जाया जाए ये बड़ा सवाल था। ऐसी विकट परिस्थिति में गांव के सरपंच फिरोज पठान ने गोंडपिपरी के तहसीलदार केडी मेशराम को संकट की सूचना दी। तहसीलदार ने बिना समय गवाए एक एम्बुलेंस के साथ कन्हल गांव अभयारण्य के कन्हल गांव शिविर संख्या 4 में भाग लिया, लेकिन इस रास्ते पर एक पेड़ गिरा था, इस कारण वाहन आगे नहीं बढ़ सका। अंत में एम्बुलेंस वापस मुड़ गई। फिर कोठरी थाने के थानेदार तुषार चौहान एवं पुलिस कर्मियों और वन विकास निगम के वन कर्मचारी भी मौजूद थे। इन दोनों विभागों के कर्मचारियों ने सड़क से गिरे पेड़ को हटाकर सड़क खोली। कोठारी थानेदार चौहान कुत्ता लेकर गांव पहुंचे और मरीज को नाव से जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। तोहगांव येथील साहिल कालिदास वाघाडे हा 18 वर्षाचा युवक की परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाल्यामुळे त्याला तोहगांव प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये भरती करण्यात आले। भरती केल्याअंती डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार त्याच्या मेंदूमध्ये मलेरिया, टायफॉइड किंवा डेंगू अशा प्रकारचा आजार त्याच्या मेंदूमध्ये शिरलेला असल्यामुळे इथं त्याचा उपचार होऊ शकत नाही, त्याच्यामुळं त्याला चंद्रपूरला रेफर करण्यासाठी त्यांनी सल्ला दिल्यानंतर आम्ही गोंडपिपरीचे तहसीलदार केडी मेश्राम यांच्याशी संपर्क साधून कारण वर्धा नदीला समांतर पूर आल्यामुळे संपूर्ण तोहगावला पुराचा वेढा आहे आणि तोहगावातून बाहेर जाण्याचा कोणताही मार्ग उपलब्ध नाही। अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही गावकरी, ग्रामपंचायत प्रशासन मिळून डोंग्याची व्यवस्था केली आणि पलीकडून तहसीलदार साहेब यांनी ॲम्ब्युलन्सची व्यवस्था करून स्वतः तहसीलदार दक्षता घेऊन स्वतः ॲम्ब्युलन्सवर येऊन हा आम्ही रिस्क्यू ऑपरेशन करून ह्या पुराच्या कमीत कमी 15 फूट पाण्यामधून 15 फूट उंचीचं पाणी वेढलेलं असताना आम्ही डोंग्याच्या माध्यमातून त्याला चंद्रपूरला त्याच्या प्रकृती सुधारण्याच्या दृष्टीने आम्ही चंद्रपूर जिल्हा आरोग्य केंद्रामध्ये जे जिल्हा रुग्णालयामध्ये त्याला भरती करण्यासाठी पाठवण्यात आले। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर।